मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा, आप सीख जाएंगे कि फोटोशॉप के अंदर बैकग्राउंड किस तरह से चेंज किया जाता है। मैंने बेसिक फोटोशॉप के अंदर भी आपको बताया था, खूब सारे उसके अंदर वीडियो बनाए थे, कटिंग करना और बैकग्राउंड चेंज करना वो सब मैंने बताया था, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी खूब सारे दोस्तों की कमेंट्स आई और पूछ रहे हैं कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, ये आप बताइए। एक वीडियो के अंदर मैं बैकग्राउंड चेंज करना तो बता दूंगा, लेकिन बैकग्राउंड चेंज करने के अंदर और भी दूसरे कई पॉइंट्स आते हैं, यानी कि उनकी मदद से और ज्यादा किसी फोटो के अंदर अच्छे तरीके से हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, वो मैं एक वीडियो के अंदर नहीं बता सकता। लेकिन सिंपल एक किसी फोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो के जरिए आपको बता दूंगा। पहले से आपको फोटोशॉप आता है या नहीं आता इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वीडियो देखने के बाद में आप बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं फोटोशॉप के अंदर वो सीख जाएंगे। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एग्जांपल अगर आपको पहले से फोटोशॉप आता है तो जरूर आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन जो आपको अगर फोटोशॉप नहीं आता है तो ये एग्जांपल आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। देखिए फोटोशॉप के अंदर किस तरह से बैकग्राउंड चेंज करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि फोटोशॉप के अंदर बैकग्राउंड चेंज होता कैसे है। फोटोशॉप के अंदर हम सबसे पहले एक लेते हैं न्यू डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पर मेरे पास में A4 साइज का ये व्हाइट पेपर है, आप देख सकते हैं ये व्हाइट पेपर है मेरे हाथ के अंदर, और यहाँ पर मेरे पास में बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मान लीजिए फोटो कोई ना कोई तो बैकग्राउंड हमें चाहिए होता है, तो ये मेरे पास में यहाँ पर ये फोटो है। देखिए इस फोटो को हम चेंज करेंगे बैकग्राउंड के अंदर लेकर के आएंगे, और कौन सी फोटो का हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, हमें इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है। हमने ये फोटो मान लीजिए निकाला है, मैंने ये DaVinci से डाउनलोड किया है, और जहाँ से मैंने डाउनलोड किया है उधर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो इस फोटो को आपका अगर आपको अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो किस तरह से करेंगे, साथ ही फोटो के ऊपर मान लीजिए छोटे छोटे फ्लावर वगैरह आप किस तरह से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर फोटोशॉप की भाषा प्रयोग में लेने वाला हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड के अंदर हमें न्यू डॉक्यूमेंट ले रहे हैं तो सबसे पहले मैंने ये न्यू डॉक्यूमेंट लिया, साइज इसकी मैंने मान लीजिए 8x12, वैसे A4 साइज है, A4 और 8x12 के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है वैसे, तो मैं यहाँ पर 8x12 इंच के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, ये हमारा है न्यू डॉक्यूमेंट। अब देखिए न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं उसकी साइज और रिजोल्यूशन 300 में यहाँ पर ले रहा हूँ, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने बेसिक फोटोशॉप के अंदर ऑलरेडी बताई है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ 300 रिजोल्यूशन के साथ मैंने यहाँ पर ले लिया ये न्यू डॉक्यूमेंट। अब इस न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर हम क्या करेंगे, ये एक तरह से बैकग्राउंड लेयर है, और इसके ऊपर आप बैकग्राउंड जब लेकर के आएंगे, मान लीजिए मुझे किसी फोटो के ऊपर जो बैकग्राउंड चेंज करना है, मैं ये बैकग्राउंड लेकर के आया, तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड लेकर के आ गया। फोटोशॉप की भाषा में आप इसे लेयर कहते हैं, ये एक लेयर हो गया बैकग्राउंड लेयर है, फिर उसके बाद में ये एक लेयर है, ये जो फोटो है इसको आप लेयर कहते हैं, ये लेयर है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में ये फोटो आप लगाएंगे तो ये एक और लेयर हो गया, उसके बाद में मान लीजिए कोई फ्लावर वगैरह आपने कुछ और भी लगाया तो ये एक लेयर हो गया, तो इस तरह से सबसे ऊपर लेयर फिर ये आ गया, इस तरह से लेयर होते हैं एक दूसरे के ऊपर इस तरह से। तो अभी जब सबसे ऊपर वाला लेयर ये है, इसको तो मैं एक बार साइड में रख देता हूँ, अभी मान लीजिए ये सबसे ऊपर लेयर है, तो जो लेयर सबसे ऊपर होगा वो हमें दिखाई देगा जब तक कि ओपासिटी उसकी 100% रहेगी, फुल ओपासिटी मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो पूरी तरह से हमें ऊपर वाला लेयर हमें दिखाई देगा, ये लेयर हमें अभी दिखाई दे रहे हैं। अब इस लेयर को आप चाहते हैं कि कटिंग करके लगाना है और ये हमें बैकग्राउंड दिखाई देना चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी कटिंग करनी है, जैसे कि हम छोटी क्लासों के अंदर स्टार्टिंग के अंदर जब पढ़ते थे तो अखबारों के अंदर से किसी फोटो की कटिंग करते थे, फिर उसे अपनी किताब या कॉपी के ऊपर या कहीं पर भी चिपकाते थे, तो वही काम मैं यहाँ पर करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, कटिंग करूँगा, मेरे पास में इसके लिए कैंची है, फोटोशॉप की भाषा में आप इसे कह सकते हैं कि मेरे पास में यहाँ पर एक ये टूल है, और इस टूल की मदद से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास में एक कैंची है, आप ब्लेड से भी कर सकते हैं, कैंची से भी कर सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन है कटिंग करने के लिए, उसी तरह से फोटोशॉप के अंदर भी फोटो की कटिंग करने के लिए हमारे पास में टूल्स होते हैं, वो अलग अलग तरह के, जैसे कि पेन टूल, लासो टूल, इस तरह से मैजिक टूल होता है एक एक, और क्विक सिलेक्शन टूल, तो उनसे हम कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कैंची से कटिंग करूँगा। अब आपको सिंपल बताया कि अगर इस फोटो के अंदर से ये जो व्हाइट यहाँ पर जो भी फोटो का पार्ट है, अगर इस व्हाइट पार्ट को मैं यहाँ पर छोड़ करके सारी बीच में जो फोटो है उसको यहाँ से निकाल लूँ कट करके, तो ये फोटो अगर सिर्फ बीच वाली यहाँ पर चिपका दूँ तो फोटो के बैकग्राउंड में ये फोटो दिखेगी, अभी व्हाइट बैकग्राउंड है, अभी ये बाद में हो जाएगा कटिंग करने के बाद में, सिंपल सी बात है।
फोटोशॉप के अंदर भी हम सेम वैसे ही करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, इस फोटो की कटिंग करके इसके ऊपर एक बार चिपका देता हूँ, फिर हम फोटोशॉप के अंदर भी किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इस फोटो की मैं यहाँ पर कटिंग कर रहा हूँ। कटिंग करने के लिए नॉर्मल इसी तरह से कैंची से मैं कर रहा हूँ। रफली कटिंग मैं कर रहा हूँ, इसके साइड में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर व्हाइट कागज भी रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने फोटो की कटिंग कर ली है, और जैसे कि मैंने यहाँ पर कटिंग करके एक ये पार्ट यहाँ पर छोड़ दिया है, ये कटिंग हो गई है, ये फोटो का एक पार्ट यहाँ पर कटिंग कर दिया है, एक ये पार्ट यहाँ पर फोटो की कटिंग हो गई है। तो देखिए यहाँ पर हमने कटिंग करके इसके जो तीन लेयर बना लिए, फोटोशॉप की भाषा में आप इसको कह सकते हैं ये तीन लेयर हो गए यहाँ पर। एक लेयर ये हमारे कोई काम का नहीं है लेयर, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, ये भी हमारे काम का नहीं है, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। फोटोशॉप के अंदर आप जब कटिंग करेंगे तो आप इसका डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, जिससे क्या होगा बैकग्राउंड के अंदर ये फोटो पड़ी रहेगी और ये डुप्लीकेट तैयार हो जाएगी। मैनुअल के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अब इस फोटो को अगर मैं यहां पर इस तरह से रख दूं तो हो गया फोटो का बैकग्राउंड चेंज, इतना आसान है। अब सेम इसी तरह से जो मैं यहाँ पर फ्लावर वगैरह लेके आया हूँ, इनको भी आप इसी तरह से यहाँ पर काट करके क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा मैं इस तरह से काट देता हूँ। देखिए अब देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने इस फ्लावर को बीच के अंदर से कट कर लिया है, तो एक और ये लेयर तैयार हो गया, मैंने सही नहीं काटा है। और यहाँ पर मैं इसको मान लीजिए फ्लावर को यहाँ लगाना चाहता हूँ, तो एक लेयर को मैंने फिर यहाँ पर लगा दिया, फिर यहाँ पर लगा दिया। लेयर आप ऊपर नीचे ले सकते हैं, अगर इस तरह से आप लेंगे तो ये लेयर फिर दिखाई नहीं देगा, ऊपर इसको ले सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। अब देखिए आपने बैकग्राउंड चेंज करना सीख लिया है फोटोशॉप के अंदर, सिर्फ मुझे स्टेप बताने बाकी रहे हैं फोटोशॉप के अंदर कि ये आप काम कैसे करेंगे। जब आप ये वीडियो देखने के बाद में इतनी सी प्रैक्टिस अगर एक बार फोटोशॉप के अंदर कर लेंगे तो नेक्स्ट आपका स्टेप क्या आएगा, आपका सवाल क्या होगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि कटिंग करना तो हम सीख गए, बैकग्राउंड चेंज करना सीख गए, सब सीख गए, लेकिन ये बाद में जो व्हाइट यहाँ पर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देखिए यहाँ पर व्हाइट आ रहा है, ये ऐसे परफेक्ट बैकग्राउंड चेंज नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो ये सारी चीजें आप बेसिक फोटोशॉप के मेरे वीडियोस देखेंगे तब आप पूरी तरह से सीख पाएंगे। वहां पर मैंने हर एक वीडियो के अंदर अलग अलग पॉइंट से बताया है, किसी के अंदर मैंने आपको फेदर से बताया, किसी के अंदर मैंने आपको जो ये व्हाइट यहाँ पर कलर है उसको एक साथ किस तरह से क्विक सिलेक्शन टूल से लेते हैं, किस तरह से हेयर की कटिंग यहाँ पर करते हैं, बालों के यहाँ से नजदीक के अंदर से ये कटिंग जो है ये किस तरह से अच्छे से परफेक्ट तरीके से करते हैं, ये चीजें मैंने आपको अलग अलग वीडियोस के अंदर बताई। एक वीडियो के अंदर ये सब पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप वो सभी वीडियोस देखें। और यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर फोटो लगाई और ये हो गया बैकग्राउंड चेंज, सिंपल आसान। अगर आपको फोटोशॉप बिल्कुल नहीं आता है तो भी आप सीख सकते हैं। देखिए ये काम कैसे करते हैं, देखिए मैं फोटोशॉप के अंदर आपको बता रहा हूँ, अब मैं फोटोशॉप के अंदर आपको बता रहा हूँ सेम ये चीज कि आप किस तरह से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। देखिए फोटोशॉप आप पहले सबसे पहले इंस्टॉल करें और उसके बाद में अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने बाद में फोटोशॉप ओपन करें, ओपन करने बाद में फाइल मेन्यू में जाएं और न्यू के ऊपर क्लिक करें, आपको यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट लेने के ऑप्शन मिलेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट की साइज आप 8 और विड्थ और 12 इसकी हाइट रखें, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट साइज है इंच के अंदर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ वो साइज रख सकते हैं। 300 इसका रेजोल्यूशन मैं रख रहा हूँ और RGB कलर मोड आप रखें। क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। एक साथ आप कई सारे न्यू डॉक्यूमेंट बना करके रख सकते हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट हो गया, ये डॉक्यूमेंट हो गया, तो इनमें से एक मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। अब इसके ऊपर आपको फोटो लेके आनी है, जैसे कोई फोटो लेके आए या फिर बैकग्राउंड लेकर के आए, इस तरह से आपको फोटो लेकर के आनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फोटो लेके आने के लिए आपके उस फोल्डर में जाएं और फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एक तरीका तो सीधा ये है कि आप इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यानी पकड़ के खींच के यहाँ पर छोड़ सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। स्केप का बटन अगर आप दबाएंगे कीबोर्ड से तो वापस इसको मैं हटा देता हूँ, और फाइल मेन्यू के अंदर जाके ओपन से भी आप इस तरह से फोटो लेके आ सकते हैं। मान लीजिए ये फोटो मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये फोटो ओपन हो गई। अब इसको इस डॉक्यूमेंट के अंदर लाने के लिए एक तरीका है, इसको क्लिक करें, खींचें और यहाँ पर आए इस डॉक्यूमेंट के ऊपर और फिर यहाँ पर आकर छोड़ दें, तो ये फोटो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और एक दूसरा तरीका एक और भी है, सिलेक्ट मेन्यू के अंदर जाएं, ऑल के ऊपर क्लिक करें, सिलेक्शन हो जाएगा। एडिट मेन्यू के अंदर जाएं, यहाँ पर कॉपी करें, फिर इस डॉक्यूमेंट के अंदर आएं और यहाँ पर पेस्ट करें। सेम चीज है, मैंने एक ही चीज को आपको तीन बार करके बताया है, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो इसके अंदर। और यहाँ पर ये फोटो हमारी आ गई है न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर।
अब इस फोटो को एक लेयर के रूप में, देखिए यहाँ पर लेयर पैनल है साइड में, तो लेयर पैनल के अंदर ये बैकग्राउंड लेयर हो गया, फिर लेयर वन हो गया। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी कोई फोटो मान लीजिए यहाँ पर लेके आएंगे, जैसे कि ये फोटो मैं लेके आना चाहता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये एक और यहाँ पर लेयर हो गया। लेयर अगर आप ऊपर नीचे लेना चाहते हैं, जैसे नॉर्मली मुझे ये लेयर यहाँ पर नीचे लेना है, ये ऊपर लेना है तो ले लिया, इसी तरह से यहाँ पर ये लेयर जो ऊपर है वो ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको नीचे लेना है तो इसको यहाँ से पकड़ के आप इसके नीचे कर सकते हैं, तो ये लेयर अभी यहाँ पर ऊपर आ गया, वो लेयर नीचे चला गया। अब जो नीचे चला गया है उसको तो नीचे रहने देते हैं, इस लेयर को यहाँ पर आप करना चाहते हैं कटिंग। इसकी कटिंग करने के लिए यहाँ पर खूब सारे ऑप्शंस हैं और बेसिक फोटोशॉप के वीडियोज आप जरूर देखें अगर आपको फोटोशॉप सीखना है तो, क्योंकि इसके अंदर कटिंग करने के लिए अलग अलग तरह के खूब सारे ऑप्शंस हैं जो आपको और ज्यादा अच्छी कटिंग करने में मदद। मैं यहाँ पर आपको सिंपल एक टूल बता रहा हूँ, वो है यहाँ पर पॉलीगोनल लासो टूल, आप इससे कटिंग कर सकते हैं कैंची की तरह, इस तरह से चलता जाएगा, इस तरह से क्लिक करें आगे चलता जाएगा इस तरह से, तो सिंपल मैं यहाँ पर जूम करके करनी होगी, कंट्रोल और स्पेस दबा करके आप इस तरह से जूम कर सकते हैं और इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। ये कटिंग करने का एक तरीका है, जितना बारीकी से आप करेंगे, जैसे नजदीक में जाएं और इस तरह से कटिंग करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी कटिंग होगी, अदरवाइज कटिंग अच्छी नहीं होगी, साइड में व्हाइट कलर दिखाई देगा, ये एक तरीका है। इसके अलावा एक पेन टूल का तरीका भी, वो बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है, उसको आप यूज में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से सिंपल इस तरह से एक तरह से कटिंग कर रहा हूँ और फिर वहीं पर लाकर जोड़ दें जहां से आपने स्टार्ट किया था। आपने जब एक बार यहाँ पर इस तरह से सिलेक्शन कर लिया है तो उसके बाद में इसी लेयर के ऊपर देखिए क्लिक किया हुआ होगा आपका, अगर नहीं किया है तो इसी लेयर के ऊपर क्लिक करें, फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर राइट क्लिक करें, फेदर देना चाहें तो फेदर दे सकते हैं, फेदर यहाँ से राइट क्लिक करके दो फेदर में दे देता हूँ। फेदर देने से क्या होता है, इसका बॉर्डर यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ से कंट्रोल के साथ जे दबाएं जिससे ये लेयर जो डुप्लीकेट बन जाएगा, लेयर थ्री बन गया, देखिए नीचे वाला लेयर वन है उसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, फोटो कटिंग की हुई हमारे ऊपर इसमें आ गई है। और इस लेयर को लेयर वन को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ये हाइड किया है मैंने तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और ये जो लेयर नीचे टू वाला लेयर है, लेयर टू जो नीचे वाला है, इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ में बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के बाद में डबल क्लिक करेंगे, अब इस लेयर के ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। ये जो व्हाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, यहाँ से आप इसके अंदर मैजिक वैन टूल सिलेक्ट करें, फिर इससे इस तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से आप यहाँ से कट कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में एक्स। ये सारी चीजें मैंने आपको फोटोशॉप के बेसिक फोटोशॉप की वीडियोस के अंदर बताई है। तो ये देखिए फोटो का हमने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, ये आपकी फोटो, ये बैकग्राउंड और उसके बाद में ये अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट के अंदर व्हाइट कलर के अंदर बैकग्राउंड कलर है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप दूसरी चीजें भी लेकर आना चाहते हैं तो ओपन करेंगे, जैसे कि ये फ्लावर लेकर के आना है, फ्लावर लिया, फ्लावर जो है ये पीएनजी के अंदर ऑलरेडी आप कह सकते हैं इसकी कटिंग यहाँ पर हुई है, तो आपको सीधा यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में ये अभी देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, फ्लावर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि लेयर नीचे आ गया है यहाँ पर, तो इस लेयर को आप ऊपर लेके आए और अब फ्लावर दिखाई दे रहा है। फ्लावर को आप छोटा बड़ा यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। लेयर का बहुत ज्यादा महत्व है फोटोशॉप के अंदर, अगर आपको लेयर समझ में आ गया और इस वीडियो के अंदर जो सिंपल मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटो ओपन करना, थोड़ी सी कटिंग करना, इतना सब बताया, इतना सब आ गया, तो उसके बाद में आप प्रैक्टिस करते करते फोटोशॉप पूरा सीख जाएंगे। तो हमने यहाँ पर इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर दिया। अब जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि परफेक्ट कटिंग नहीं हुई है, बालों के पास में यहाँ पर व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आपको बेसिक फोटोशॉप के मेरे वीडियोस देखने होंगे, उनके अंदर एक एक वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट मैंने अलग से बताया। ये वीडियो मैंने इसलिए बताया कि आपकी कमेंट्स आ रही थी कि बैकग्राउंड चेंज कैसे करते हैं, एक ऐसा मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बताया था जिसके अंदर इस तरह से बैकग्राउंड चेंज करना मैंने बताया हो, इसलिए इसके अंदर मैंने आपको बैकग्राउंड चेंज करना बताया। लेकिन बैकग्राउंड चेंज करते टाइम जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो उसके लिए आपको बेसिक फोटोशॉप की वीडियो देखनी चाहिए। और वहां पर मैंने ये भी बताया आपको, ये जैसे सिलेक्शन के लिए आप रेक्टेंगल टूल, एलिप्सिकल टूल, इलिप्टिकल टूल ये भी यूज में ले सकते हैं, ये सभी कटिंग करने के लिए यूज टूल ले सकते हैं, सिलेक्ट करके कटिंग कर सकते हैं इनसे, ये तीनों टूल और यहाँ पर ये दोनों टूल यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर जो इरेजर टूल है इसको भी यूज में ले सकते हैं, और इरेजर के तीनों टूल ही, बैकग्राउंड इरेजर टूल से आप बालों की अच्छे से कटिंग कर सकते हैं, मास्क बना करके भी आप कटिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा आप ब्रश टूल, ये ब्रश टूल है वो मास्क के अंदर, इसको यूज लेकर आप इससे भी
कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका फिर अलग होगा। इसके किसी के अंदर कोई फोटो के अंदर अच्छी होगी, किसी के अंदर दूसरा टूल अच्छे तरीके से कटिंग करेगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और सिलेक्शन के अंदर भी ऐसे ऑप्शन है कलर रेंज वगैरह जिनके अंदर से आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो ये फोटोशॉप है, आप इस तरह से फोटो लेकर के प्रैक्टिस करें इस वीडियो को देखने के बाद में खूब सारी, और बेसिक फोटोशॉप की वीडियो देखना आज ही स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको और आप सीख पाएंगे कि फोटोशॉप के अंदर किस तरह से हम वर्क करते हैं। अगर आपको नहीं पता है बेसिक फोटोशॉप के वीडियोस कैसे देखने, तो आप मेरे चैनल के ऊपर आए या फिर यूट्यूब के ऊपर डायरेक्ट इस तरह से लिखें संजय कुमार स्वामी, संजय कुमार स्वामी इस तरह से लिखें, और उसके बाद में आप या बेसिक फोटोशॉप वीडियो संजय कुमार स्वामी ऐसे भी लिख सकते हैं। जब मेरी फोटो आएगी, चैनल आएगा संजय कुमार स्वामी नाम से, उसके ऊपर क्लिक करें, वहां पर आपको प्लेलिस्ट नाम से एक टैब नजर आएगी, उस टैब के ऊपर क्लिक करें प्लेलिस्ट वाली के ऊपर, वहां पर आपको बेसिक फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। अब बेसिक फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स इन हिंदी बाय संजय कुमार स्वामी ऐसे भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, और उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको 1 to 104 तक के सारे वीडियोस नजर आएंगे, आप उनको देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से बताया किस तरह से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है। और ये सब लेयर्स हैं, ये भी मैंने आपको बताया ये लेयर्स हैं, और ये लेयर अब यहाँ पर जैसे इस फोटो की कटिंग जैसे की थी, ये इस फोटो की इसकी मान लीजिए हमें कटिंग की थी यहाँ पर, अब इसके ऊपर जैसे मैं कटिंग करूँगा, आप यहाँ से लासो टूल लेकर के भी कर सकते हैं, ये लासो टूल लिया और इतना सा पार्ट मैंने यहाँ पर कट कर दिया और कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी कर दिया, तो ये एक लेयर बन गया यहाँ पर, देखिए इतने इतने जो मैंने बताए थे ना, ये एक लेयर है, यहाँ पर एक लेयर है, उसी तरह से यहाँ पर ये भी एक लेयर है, ये लेयर है, इसको काम करनी है तो डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। और एक बार यहाँ पर जब आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर दें, जैसे इस लेयर को मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ, इस डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करिए आप डिलीट कर सकते हैं, और जब आप एक बार बैकग्राउंड इस तरह से चेंज कर दें, तो आप अपनी फोटो को जेपीजी के अंदर सेव कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, या फिर शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक या गूगल प्लस जैसी सोशल साइट्स के ऊपर। तो आप इस फोटो को इस तरह से सेव कर सकते हैं, फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पर सेव या सेव एज के ऊपर आप क्लिक करें, और यहाँ पर फोटो का नाम दे दें जैसे कि मैं दे रहा हूँ SS, और यहाँ पर सिलेक्ट करें फॉर्मेट JPG, सिलेक्ट किया और सेव, क्वालिटी मैक्सिमम 12 और ओके। आप उस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर JPG फोटो आपको यहाँ पर मिलेगी, और ये आपने इस तरह से सिंपल बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको फोटोशॉप के अंदर सिंपल बैकग्राउंड चेंज करना आ गया होगा, किस तरह से बैकग्राउंड चेंज करते हैं पता चल गया होगा। आप ये वीडियो देखने के बाद में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जब आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर सब्सक्राइब बटन नजर आएगा, वीडियो के नीचे भी आपको सब्सक्राइब बटन नजर आएगा, सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं नए वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे फोटोशॉप के अंदर बैकग्राउंड चेंज करना। आप ये वीडियो कम से कम जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले, जिनके पास में कंप्यूटर नहीं है उनको भी पता चले कि वास्तव में हम फोटो के अंदर बैकग्राउंड चेंज करते कैसे हैं फोटोशॉप ही नहीं, दूसरे भी कई सॉफ्टवेयर्स हैं, खूब सारे ऐप्स भी आती हैं जो मोबाइल एंड्रॉयड के अंदर हम रन करते हैं, वहाँ पर भी आप बैकग्राउंड इस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर भी लेयर सिस्टम जो है वो ज़्यादातर इसी लेयर सिस्टम को यूज़ में लिया जाता है, एक फोटो उसके ऊपर दूसरी फोटो कटिंग करके रख के इस तरह से बैकग्राउंड करने का तरीका। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।